हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिजनेस यूट्यूब चैनल राजकीय में। विश्व सुरक्षा विभाग अपडेट में महानिदेशक ने पुनः एक पत्रांक जारी किया है, आदेश जारी किया है, जिसमें सभी जिलों के बीएसएस को आदेश दिया है सत्यापन के संबंध में, वेतन निर्गत करने के संबंध में, स्कूलों में क्या क्या कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा बैठक को लेकर सख्त निर्देश के बाद उसकी समीक्षा बैठक आहूत की जाएगी। यानी कि एक टाइम पीरियड, एक स्लॉट दिया गया है कि मेरे पूर्व के निर्देश और अब समीक्षा बैठक के बीच में जो गैप दिया गया है उसमें आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या परेशानियां आपको देखने को मिली हैं और उस सख्त निर्देश का कितना अनुपालन किया गया है आपके द्वारा, इसका बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से फोकस किया गया है। और कहने के लिए पूरे 75 जनपद हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जनपदों को, 15 से 20 जनपदों पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ी काम हो रहे हैं। तो ऑनलाइन मीटिंग से पहले 69,000 भर्ती के नवनियुक्त अध्यापकों का सत्यापन और वेतन संबंधित क्या क्या बातें हुई इस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए फटाफट इनकी अपडेट को, इनके द्वारा पत्रांक जो जारी किया, आदेश जारी किया गया, उसको बातचीत कर लेते हैं। तो ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा महानिदेशक ने पत्रांक जारी किया है, जिसमें इन जिलों के सबसे ज़्यादा फोकस करके बीएसएस को फोकस किया है। बात होती है जौनपुर से। जौनपुर जनपद, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी, इन सभी जगहों के बीएसएस को सीधे फोकस किया गया विषय की बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों की समीक्षा के संबंध में है। अब यहाँ पर समीक्षा बैठक के संबंध में है। अब समीक्षा बैठक कब की जाएगी? जब उसके संबंध में आपने आदेश दिया हो, काम करने के लिए कुछ दिन दिए हों, है ना। इसमें क्या कहा गया है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विकास खंड स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक 18 मई 2021 को 11 बजे से 1:30 बजे तक जूम जो कॉलिंग के जरिए ये की जाएगी। इसमें प्रमुख एजेंडा, सबसे पहला जो एजेंडा रहेगा कि शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण, पारस्परिक अंतर जनपदीय यानी कि म्यूचुअल, जिले के बाहर का ट्रांसफ़र और अंतर जिला यानी जिले के बाहर का ट्रांसफ़र के फलस्वरूप सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र यानी LPC आदि की औपचारिकता पूर्ण कर वेतन आहरण करना, इसके संबंध में क्या क्या काम हुआ है, पहला एजेंडा। दूसरा ही एजेंडा है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत तैनात शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कर वेतन आहरण करना। और यही वजह है कि 18 मई, एक लंबा समय दिया गया, मैं कहूँगा कि लगभग आपसे 8 से 9 से 10 दिनों का समय दिया गया है। इसके बीच में इनको और फोकस किया गया था कि एक सप्ताह में जितनी जल्दी हो सकता है काम कर लें, उससे ज़्यादा का समय दे दिया गया। तभी तो समीक्षा बैठक की जा रही है कि एक सप्ताह में सख्त निर्देश दिया गया था आपको काम करने का, और हम 8 से 9 से 10 दिनों के बाद आपकी समीक्षा बैठक ले रहे हैं इन सभी पॉइंटों पर, इन सभी बिंदुओं पर। तो आपने कितना प्रोग्रेस किया है वो पहले बताइए। तीसरा एजेंडा है यहाँ पर कि प्रदेश के परिषदी प्राथमिक विद्यालयों में नियम विरुद्ध फर्जी रूप से नियुक्त शिक्षकों की विश्वविद्यालय में अभिलेखों का सत्यापन, इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं ऑपरेशन कायाकल्प में जो 18 पैरामीटर हैं वो कितना पूरा हुआ है, मध्याह्न भोजन में जो उपभोग प्रमाण पत्र है वो कहाँ तक पहुँचा है, मिशन प्रेरणा में शैक्षिक जो सामग्री पहुँचाई गई थी वो विद्यालयवार पहुँची कि नहीं पहुँची, और शैक्षिक क्षेत्र में विद्यालयों को निःशुल्क जूते, मुझे स्कूल बैग का वितरण और समीक्षा की जाएगी। तो ये लंबा गैप दिया गया है और उम्मीद है कि ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो नवनियुक्त अध्यापक हैं उनके सत्यापन और वेतन आहरण पर फोकस सबसे ज़्यादा किया जाए। जो अंतर जिला तबादले के बाद आए हैं शिक्षक, जो 3 माह से भी उनको वेतन निर्गत नहीं किया गया है, उन पर फोकस, ये ज़्यादा प्रमुखता से और प्रखरता से इस पर काम होना चाहिए। तो उम्मीद है कि समीक्षा बैठक में कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आएंगी और जो भी कमियां हैं महानिदेशक के द्वारा अपने स्तर पर इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।